दंगलों का जोर जारी है और आज हम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कठा मंडवाल में है। मेरे पीछे पहलवान, इस समय आप देख सकते हैं कि दंगल शुरू हो चुका है। इतनी तेज गर्मी के बीच आप देख सकते हैं कि कितने दर्शक अलग अलग जगहों से इस दंगल को देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। लोगों का उत्साह इतना है, आपको बता दें हर साल की तरह यहाँ पर ये दंगल किए जाते हैं। बात करें अगर कृष्णपुर एरिए की, कठाड़ की, मजालता एरिया, रामनगर एरिया, कहीं भी आप देखेंगे तो इतनी तादाद में आपको दर्शक देखने के लिए मिलेंगे। अलग अलग जगहों से ये पहलवान यहाँ पर पहुँचते हैं और हर साल की तरह इस साल भी एक भव्य दंगल जो है वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कठाड़ मंडवाल में किया जा रहा है। आप कैमरे में देख पा रहे होंगे कि कितनी तादाद में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। इतनी तेज़ गर्मी है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों में काफ़ी उत्साह है। तस्वीरों में लगातार आप देख पा रहे होंगे कि दंगल देखने के लिए अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे हुए हैं। फिलहाल हम अगर आपको जानकारी दे दें तो ये जो दंगल है ये कठाड़ पंचायत में किया जा रहा है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कठाड़ में। सोलह जून 2024 को कठाड़ पंचायत के अंतर्गत एक भव्य दंगल का आयोजन किया गया। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हमारी एक और नई वीडियो में स्वागत है। जानकारी के लिए तमाम दर्शकों को बता दें कि 16 जून 2024 को कठाड़ पंचायत के अंतर्गत गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कठाड़ मंडवाल में एक भव्य दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद किशोर जी मुख्य अतिथि पर पहुंचे हुए थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है। उनके गले में चुन्नी पहनाई गई और इसके चलते ही दंगल का आयोजन जो शुरू किया गया। इन तस्वीरों के माध्यम से हम अपने तमाम दर्शकों को ये भी दिखाएंगे कि कितनी तादाद में लोग हर साल इस दंगल को देखने के लिए पहुंचते हैं। अगर आपको बता दें तो लगभग ऐसी खबर हमारे पास पहुंची है, लगभग 20 साल हो गए इसी तरह से इस दंगल को आयोजन करते हुए। कठाड़ पंचायत के तमाम लोगों द्वारा इसमें योगदान दिया जाता है और फिर जाकर ये भव्य दंगल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कठाड़ में किया जाता है। इन तस्वीरों के माध्यम से हम आपको ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितनी तादाद में दूर दूर से लोग इस दंगल को देखने के लिए आते हैं। अगर बात करें आसपास इलाके की, मंडवाल, कठाड़, कृष्णपुर, मणे, तमाम इलाके जहां से लोग यहां पर पहुंचते हैं, ये तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि जिन लोगों को जगह नहीं मिली, लोग अपने घरों की छतों पर चढ़ गए, लेकिन उनके लिए दंगल इतना महत्व देता है। हर साल लोग इंतज़ार करते हैं कि कब ये दंगल आएगा और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग अपनी छतों से चढ़कर इस दंगल को देख रहे हैं। हालांकि 16 जून को हम आपको बता दें कि इतनी तेज़ धूप और गर्मी थी, हालांकि लोगों ने ये दंगल देखना ही था, लोग स्कूलों की छतों पर चढ़कर इस दंगल को देख रहे थे। हम भी यहाँ पर पहुँचे तो हम ये दृश्य देखकर हैरान रह गए कि आखिर इस दंगल में ऐसा क्या है कि लोग इतनी इतनी दूर से आते हैं और जिन लोगों को दंगल में जगह नहीं मिलती वो स्कूलों की छतों पर चढ़कर ये दंगल देखते हैं, आखिर इतनी दूर से वो दंगल कैसे देख पाते हैं। लेकिन मान्यता है कि लोग कहते हैं कि अगर इस दंगल को देखने के लिए लोग जाते हैं तो उन्हें पीर बाबा का आशीर्वाद मिलता है, इसलिए लोग दूर दूर से इस दंगल को देखने के लिए पहुँचते हैं। इस दंगल के कुछ क्लिप हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, आप देखिए कि कितने बेहतरीन पहलवान यहाँ पर पहुँचे हुए थे और किस तरह से उन्होंने इस दंगल में हिस्सा लिया। ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਦੂਰੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੈਫਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਤੀਰਥੂ ਜੀ ਔਰ
मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद किशोर जी का इस पूरे दंगल के आयोजन को लेकर क्या कहना है, और साथ ही साथ जो इस दंगल कमेटी के मेंबर हैं एक्स सरपंच बलबीर सिंह जी, उन्होंने इस दंगल को लेकर क्या कहा, वो आप सुनिए इस वीडियो के आखिरी में कि क्या कहना था भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद किशोर और एक्स सरपंच बलबीर सिंह जी का। देखिए, ये जो दंगल है अरुण जी, ये पिछले 20 वर्षों से चल रहा है और हर वर्ष जहां पर सैकड़ों कुश्तियां जो है होती हैं और लोग, आपने देखे ये हज़ारों की तादाद में जो दंगल जो है वो देखने आते हैं, ये जहां के जो मनवाल कठाड़ के निवासी हैं और जहां के पंच सरपंच और सब मिलकर एक कमेटी इनकी बनी है और कमेटी जो है जो दंगल करवाती है। और ख़ासकर इस दंगल की जो विशेषता है वो ये विशेषता है कि जहाँ के जो लोकल नौजवान हैं उन लोकल नौजवानों को प्रोत्साहन दिया जाता है और उनको ही ज़्यादातर जहाँ कुश्तियों में मौका दिया जाता है, जिससे कि हमारे नौजवान ज़्यादा अपनी फिजिकली फिटनेस और जो स्पोर्ट्स की ओर उन बच्चों को आकर्षित करना। आपने देखा होगा अभी तक जितनी भी कुश्तियाँ हुई हैं मैक्सिमम लोकल नौजवानों की हुई हैं और अपने नौजवानों को एक प्रेरणा इस दंगल से मिलती है कि भाई हमें भी नशे से मुक्त रहना चाहिए, नशे की ओर ना जाते हुए हम अपना जो ध्यान है वो खेलकूद की ओर लगाएं। और ख़ासकर आपने देखा किस प्रकार से फिजिकली फिटनेस बच्चों में रहती है जो दंगल में हिस्सा लेते हैं और पूरे वर्ष जो अखाड़े 2-3 जहां खोले हुए हैं उन अखाड़ों में प्रयास करते हैं। और जहां की जो कमेटी है, बलवीर सिंह सरपंच हैं, चेयरमैन जी हैं, दूसरे हैं, अजीत जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं सबके नाम गिनूंगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन इस दंगल की विशेषता यही है कि इन्होंने एक टारगेट रखा हुआ है कि हम अपने जो लोकल जहाँ के 20-30-40 किलोमीटर के अंदर के नौजवान हैं उन नौजवानों को ज़्यादा मौका देते हैं। और आज आपने देखा भी है कि किस प्रकार से जहाँ जो लोकल अपने पहलवान हैं बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने किश्ती की है। मैं मुबारकबाद देता हूँ इन सारी कमेटी को जहाँ किस प्रकार से स्वच्छ वातावरण में, कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई ऐसी बात जहाँ पर आज तक नहीं हुई है, ये कमेटी को अप्रिशिएट करता हूँ कि इस प्रकार से दंगल ऑर्गेनाइज करते हैं कि लोग इसका एंजॉय करते हैं। अभी भी देखिए आप बाहर किस प्रकार से सीटियाँ बज रही हैं और इसका पूरा लुत्फ लोग उठा रहे हैं और नई युवा पीढ़ी को एक अच्छी प्रेरणा मिलती है। शुक्रिया, सबसे पहले मैं आपका जहाँ पे स्वागत अभिनंदन धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारा दंगल का कवरेज देने के लिए जहाँ पे पहुँचे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये हमारा जो ऐतिहासिक दंगल जो गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मनवाल में हो रहा है आज, ये हमारे जहाँ की जो हमने जो कमेटी फ्रेम की है 20 मेम्बरी, और ये कमेटी जो है हर गांव से यथाशक्ति अनुसार सब गांव वाले थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के इस दंगल को सहयोग देते हैं। और जहाँ पे आप देख रहे हो कितना बढ़िया दंगल हो रहा है और ये हमारा 20 साल पुराना दंगल है, लगातार ये दंगल हमारा चलता जा रहा है। और जहाँ पे दंगल कराने का मकसद ये है कि ये पुराने बुजुर्ग जो हमारे हैं, ये हमारे पीर बाबा जो हैं, उनको बड़ा मान सम्मान और पूजने पूजा करते हैं उनकी, और उस मान सम्मान के साथ साथ इस दंगल से ये भी प्रेरणा देते हैं कि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं वो कम से कम अच्छे स्पोर्ट्समैन बने, अच्छे स्पोर्ट्समैनशिप जो है उसकी तरफ जाएं, ना कि हमारे आज की डेट में जो बच्चे कहीं नशे की लपेट में मत आ जाएं, जैसे कि आज की डेट में सबसे बड़ी त्रुटि जो हमारे समाज को जो खा रही है, जो कमज़ोर कर रही है, जैसे चिट्टे की तरफ जो नशा है वो हमारे गांव-गांव तक भी पहुंच रहा है, हम उसको भी ये रोकना चाहते हैं। और सर आपके मीडियम के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि सभी बच्चे जो अच्छा स्पोर्ट्समैन बने और स्पोर्ट्समैन की तरफ जाएं और अपना जहां पे जज्बा दिखाएं, हुनर दिखाएं, ताकत दिखाएं, ताकि वो फिजिकली भी ठीक रहे और हमारा समाज जो है जो कम से कम जो जहाँ पे जो हमारे समाज में त्रुटि आ रही है नशे की, उससे भी हमारा समाज जो वंचित रहे। और इससे ज़्यादा मैं और एक बार फिर आपका जहाँ पे स्वागत और अभिनंदन धन्यवाद करता हूँ ये आज का जो दंगल जो आज कवरेज करने के लिए आए गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मनवाल में।